डिस्कवरी ऑफ वाइल्ड नेचर चैनल में आपका एक तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको उत्तर भारत के सबसे चंबल के डाकू देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं बीहड़ों में हम जुस्तजू के मकसद से आज आए हैं और आपको चंबल के बीहड़ में कौन कौन से इंसेक्ट देखने को मिलते हैं और इसका टाइटल है चंबल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। अब तक आप देख चुके हैं। सबसे पहले देखा था मैग्नेटेड ग्रास हॉपर क्वाइग्लोसिरस, इसके बाद देखा आपने रेड बग, रेस्क्यू करेंगे अगर ये फंसे, इसके बाद एक और रेड बग देखा था और ये आप रेस्क्यू ऑफ, ये मर जाएगी बटरफ्लाई, एक ये बटरफ्लाई ये देखिए फंसी थी स्पाइडर के वेब में, उड़ते समय अचानक फंस गई और स्पाइडर का मकसद होता है वेब पॉलिनेशन जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद ये क्रेन के आकार का एक शिकारी प्रेइंग मेंटिस है, जिसकी आगे की लेग्स हम लोग जब प्रार्थना करते हैं भोग की तो हाथ जैसे आगे जोड़ते हैं उसी पोजीशन में, तो इसीलिए इसका नाम प्रेइंग मेंटिस, और इसकी गर्दन क्रेन की तरह, तो इसका हमने नाम दिया है क्रेन इंसेक्ट, वैसे इसको मेंटिस या प्रेइंग मेंटिस कहते हैं। और इसका जो मेन करेक्टर है वो प्रीडेटरी हैबिट, ये स्कीमर बटरफ्लाई है जो बटरफ्लाई और मौत के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक को शो करता है। इसके जो पंख हैं वो कम्प्लीटली वर्टिकली हेल्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए कनेक्टिंग लिंक है। ये डिप्टेरन एक बी है, बहुत सी बी देखने को मिली हैं और इंसेक्ट का वीडियो सर्च करना एक टफ जॉब होता है। इसके बाद ये वन तुलसी पर बैठी हुई आरजीओपी स्पाइडर, ये रेयरली ही देखने को मिलती हैं और ये स्पाइडर वेब में एक और ये फंस करके अपनी जान दे बैठा है मौत, और इसको मैंने हाथ पर लिया है। ये इल्ली कहते हैं इसको गांव वाले, और ये एक हेयरी कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई फाइटोफेगस होता है जिसमें च्यूइंग और बाइटिंग माउथ पार्ट्स, ये छोटे आकार के स्पॉटेड बीटल हैं जिनका ताल्लुक वेल नोन है, सभी बीटल कॉलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं फाइटोफेगस। ये रेड बग उनके पौधे पर बैठा हुआ बग था और इसको चहलकदमी करता हुआ जूली फ्लोरा की इलायची बबूल पर छोड़ दिया है, बहुत ही अट्रैक्टिव नीचे की तरफ, इसमें व्हाइट स्ट्राइप्स ऊपर का पंख जिसके लाल काले स्पॉट से सजा हुआ आगे निकला हुआ रोस्ट्रम जैसा है, और इसमें लंबी सी एक सुंड होती है जो पीछे की ओर एब्डोमेन में सेगमेंटेड चिपकी रहती है, ऑफिस्थोग्लिया टाइप का जो हेड है ऑफिस्थोग्लिया टाइप की तरफ होता है, माउथ पार्ट प्रोजेक्टेड रहते हैं, बैक बर्ड प्लांट का रेस्ट प्रोजेक्टेड रहते हैं। सभी बर्ड से ये फर्स्ट हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इसकी फैमिली रेड बुडाइडी कुल का ये मेंबर है मिलते हैं झाड़ियों में, का स्पेशल करेक्टर या जनरल करेक्टर अभी छिप गया, प्रेजेंस ऑफ हेमीलाइट्रा, ये एक ऐसा ग्रास हॉपर जो टिड्डी जैसा लार्ज साइज का है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो जंपिंग लेग है दोनों साइड का,
वो डैमेज हो गया है, ये हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं, ये देखिए टूटी हुई, तो ये जंप नहीं कर सकता है, तो एक ही जगह पे बैठ के फीडिंग। अगला ये दिखाई दे रहा है आपको रोस्टम वाला वीटल, जिसको बीविल कहते हैं, एक पेस्ट ऑफ बाजरा है, ग्रीन कलर का बीटल जो बाजरा के दानों को खाकर फसल का भारी मात्रा में नुकसान करता है सफाचट। ये देखिए बैठा हुआ, वहाँ खेती भी होती है चंबल एरियाज में, तो वहाँ के बाजरा के खेत से ये शूट किया गया वीडियो है। ये येलो कलर का मौत लीफ पर, जिसने अपने एक्सपेंडेड विंग कर दिए। इसके बाद ये एक और पांसी बटरफ्लाई जो झाड़ियों में कोमलली देखने को मिलती है। बटरफ्लाई की कई स्पीसीज देखने को मिली हैं यहाँ पर, हम आगे के वीडियो में आपको वो सब दिखाएंगे। चैनल वीडियो को अंत तक वॉच करें। ये चंबल के बिहाड़ों में बारिश के बाद, बारिश के समय का कोहरा बहुत होता है, और बारिश के बाद ये वन करेला पका हुआ है पीले कलर का, और इसको हम अपने हाथ में लेकर के ये देखिए प्रेस कर रहे हैं, और इसमें रेड कलर के ये सीड्स निकल आए, ये देखिए, और कलर से अट्रैक्ट होकर के इसको तोता आदि पक्षी खाते हैं, और इसका सीड्स का दूर दूर तक डिस्पर्सल होता है। तो पक्षियों के द्वारा जो डिस्पर्सल होता है, तो इसको बोलते हैं हम पक्षी डिस्पर्सल। ये एक झुंड के रूप में बैठे हुए बीटल लाइक बग, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में लोग बीटल समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये एंटोमोलॉजिकल सर्वे, ये मायोलिब्रिश हैंगिंग पोजीशन में, और चलते चलते मैं पहुंच गया बीच फॉरेस्ट में, जहां पर ये लोग जमुनापारी गोट चराते हुए, कई सारी ये देखिए चंबल की झाड़ियों में, और लोग गोट के साथ साथ सूखी लकड़ियां भी लाते हैं। आगा ये देखिए काफी सारी गोट हैं, एक फुल वीडियो आगे मिलेगा जमुनापारी गोट, जो यहाँ का एक इंडेमिक स्पीसीज है, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज, चकर नगर और उसके एरिया में ही ये मिलती है। तो ये जमुनापारी गोट की कई झुंड, ये वन तुलसी पर बैठी हुई स्पाइडर, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक बने रहें, थैंक यू वेरी मच।